पंगे की शुरुआत बंगाल वॉरियर्स की पहली रेड, मनिंदर सिंह की पहली रेड, 791 रेड पॉइंट औसतन 9.4, 36 सुपर टेन लगा चुके हैं और यहां पर पहला टच। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, जर्सी नंबर 99 आउट। और नबी बख्श इस सिचुएशन के मास्टर हैं, जब तीन या कम खिलाड़ी बचे हों वहां नबी बख्श हमेशा अच्छे पॉइंट लेकर आते हैं। ये लीजिए नबी बख्श कामयाब। 5 पॉइंट की लीड फर्स्ट हाफ में बंगाल वॉरियर्स के पास, यही लीड बरकरार रखना चाहेंगे, पिछले दो मैचों को बुरे सपने समान भूलना चाहेगी बंगाल वॉरियर्स की टीम। मनिंदर, ओ बिल्कुल बिल्कुल सेफ रेडर। अब कितने पॉइंट मिले हैं ये देखना होगा। 2 पॉइंट की रेड, सुपर रेड, मल्टी पॉइंट मनिंदर, इस मैच की दूसरी मल्टी पॉइंट रेड है महाबली मनिंदर के लिए। एक बार भी जयपुर का डिफेंस इनको आउट कर नहीं पाया है, पहले बोनस लिया, डैश लगभग हो गया, लेकिन मनिंदर किसी तरह से खुद को बचा के ना केवल लॉबी में बने रहे बल्कि लॉबी में रहते हुए मिड लाइन क्रॉस कर ली। अर्जुन देशवाल होंगे सफल, कितने आराम से पॉइंट अपने नाम किया और लगाई सुपर रेड। आज की शाम की जयपुर पिंक पैंथर्स की ये पहली सुपर रेड अर्जुन देशवाल द्वारा, इस मैच की पहली डू ऑर डाई रेड है। जाते जाते गेम को स्लो किया, ये स्लो नहीं है, नबी बख्श बहुत फास्ट है। एडवांटेज बंगाल वॉरियर्स के पास है, 18-14 की इस वक्त की स्कोर लाइन। तेज है ये खेल कबड्डी का, जो बीत गया सो बीत गया, जो हो रहा है वो कमबैक की निशानी जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। हर हाल में टच पॉइंट तो लेना है मनिंदर को, आज तेजी दिखाई है लेकिन यहां जयपुर का डिफेंस, सुपर टैकल के 2 पॉइंट, जयपुर पिंक पैंथर्स की वापसी। बहुत देर बाद एक अच्छा डिफेंस देखने को मिला जयपुर की तरफ से, और वो भी उन्होंने बड़ा शिकार किया है, मनिंदर को बार किया है। मनिंदर के अतिरिक्त नबी बख्श ने सिर्फ 3 पॉइंट लिए हैं रेडिंग में, और यही दिक्कत मैं पहले बात कर रहा था, मनिंदर बाहर हैं तो पॉइंट कौन लेगा। नबी बख्श मल्टी पॉइंट रेड है, ये लीड बढ़ेगी बंगाल की। 2 पॉइंट मिले, इस तरह से 1 पॉइंट निश्चित, सुपर टैकल नबी बख्श, आप सुपरस्टार हैं नबी बख्श, आज के सितारे। नबी बख्श ने मैच की आखिरी रेड में सुपर टैकल करके बंगाल को एक जीत दिलवा दी है।